सबसे हम कह सकते हैं मुश्किल टॉपिक है रीजनिंग का, ऐसा टॉपिक जिसको समझना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। ठीक है, यहाँ हम अपना दिमाग एक ऐसा एकमात्र टॉपिक जिसमें ये बोला जाता है कि आप अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते। अपना दिमाग मतलब अपना सेंस यूज नहीं कर सकते, जो चीज़ आपको दी हुई है उसी पर आपने आंसर देना है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लो आपके पास ये ग्लास है, इसने बोल दिया ये ग्लास आधा भरा हुआ है। ग्लास क्या है? आधा भरा हुआ है। जनरल में मैं ये सोचूंगा कि आधा भरा हुआ है तो मैं बोलूंगा आधा खाली है। इस टॉपिक में क्या है कि आपको सिर्फ ये बताया गया है ये आधा भरा हुआ है, तो बस आपको इतना पता है, बाकी आधा गिलास भरा है खाली है ये आपको नहीं पता। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वही आप सत्य मान सकते हो, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो है नहीं है ये आप अपने तरफ से आंसर नहीं दे सकते। मतलब आपको इतना पता है कि आधा ये भरा हुआ है, बाकी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, इस कथन इस टॉपिक में क्या होगा कि आपको एक कथन दिया होगा। ठीक, टॉपिक में क्या होगा? आपको एक कथन दिया होगा। टॉपिक का मतलब ये है कि जो कथन है वही सत्य है या वही सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता है, इसके अलावा इस कथन से इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है इसके अलावा अगर आप कोई भी आपसे आंसर पूछा जाए तो आप अपनी मर्जी से आंसर नहीं दे सकते। इस कथन के बेस पर आपको निष्कर्ष पूछेगा। मान लो निष्कर्ष आपको एक दे सकता है, दो दे सकता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ये निष्कर्ष सही है या गलत है ये आपने बताना है, और आपके पास नॉलेज क्या है ये कथन वाली, मतलब ये बात है सिर्फ आपको पता, इस बात को सत्य मानते हुए ये आंसर देने हैं, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मान सकते। जैसे उसी गिलास में ये पूछ लेता, मैंने बोला था आधा गिलास भरा हुआ है, यहाँ पूछ लेता जी आधा गिलास खाली है, तब आप बोलते जी पता नहीं, मुझे तो सिर्फ आधे गिलास के बारे में पता है कि भरा हुआ है, बाकी अगर आधा गिलास खाली है तब आप उसको क्या कर दोगे? गलत, क्योंकि आपको पता नहीं। ये मेन टॉपिक है। ठीक है, यहाँ आपको आंसर 5 तरीके से देने होते हैं। पहला, दो निष्कर्ष पर मान रहे हैं। अगर मान लो पहला आंसर आपको यह है कि पहला एक निष्कर्ष सही है तो आपका पहला आंसर हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष अकेला सही है तो आप दूसरा आंसर दे दोगे, ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं, अभी हम एक स्टैंडर्ड तरीका लेकर चल रहे हैं। तीसरा, कि पहला और दूसरा दोनों भी सही हो सकते हैं, मतलब दो निष्कर्ष हैं दोनों भी सही हो सकते हैं, एक सही हो सकता है पहला या दूसरा, ये तीन चीजें हैं। इसके अलावा 4 नंबर और 5 नंबर, इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों गलत हों। ठीक है, यानी पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, ये आगे पीछे कहीं भी लिखे हो सकते हैं, मतलब ये गलत वाला लास्ट में लिखा हो सकता है, पहले लिखा हो सकता है, सीरियल नंबर कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ, सीधा सीधा पूछा जाएगा एक सही है, दो दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या क्या होगा कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है, ये चीज मतलब या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। या की कंडीशन कब आती है? या की कंडीशन देखो एक एग्जांपल से अगर हम समझें, मान लो कि कोई बाहर से आता है हमारे पास, अभी दो आप सुबह से यहाँ बैठे हो क्लास में और बाहर से अभी दो पर्सन आते हैं, आपको नहीं पता कि बाहर कैसा मौसम है, आप उससे पूछते हो कि बारिश हो रही है या नहीं, एक कहता है हो रही है एक कहता है नहीं हो रही, आपको तो नहीं पता कि क्या कौन सा सही बोल रहा है कौन सा गलत। इस केस में क्या हो गया कि या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। कई बार हमारे लाइफ में भी ऐसी कंडीशन आती है कि हम कोई चीज़ का किसी से पूछते हैं, एक कहता है ऐसा होगा एक कहता है ऐसा नहीं होगा, तो हम दोनों में से हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है। या कि केस में तब होता है, या तो पहला सही है, पहला सही होगा तो दूसरा गलत, दूसरा सही होगा तो पहला गलत,
यानी या का केस हम तब लगाते हैं जब हम डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है। अब इसमें, इस टॉपिक में हमें अपनी सोच को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, यानी कि इस टॉपिक में आपको जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उसी पर चलना है। चार सिर्फ रूल्स हैं इसके, रूल्स कह लो या कंडीशन कह लो, सिर्फ चार हैं। उन चारों पे प्रॉपर टॉपिक टिका है, उसके बाद इसके सभी क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे अलग अलग। उस चार टॉपिक्स को हम समझ लेंगे या चार रूल्स को हम समझ लेंगे तो टोटल टॉपिक को हम समझ सकते हैं। यहाँ इस टॉपिक में डायग्राम के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। जैसे कंडीशन हम पहली लेते हैं, यहाँ पर चार कंडीशन है, उसमें से पहली कंडीशन जिसको हमने नाम दिया है सब कुछ का, जिसको हम नाम देंगे कुछ, मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे सम, ठीक। जैसे इसका कथन अगर हम लिखेंगे तो कथन होगा कुछ ए बी है, या इसमें हम एक कथन और भी ले सकते हैं कि अपने हिसाब से कि कुछ शादीशुदा मूर्ख हैं। यानी कि जहां ये चीज आपको दे रखी है वही आपने सत्य माननी है। इस टॉपिक में कई बार हमें ये बोल दिया जाएगा जी कुछ गाय कुत्ते हैं, तो मतलब अब जनरली तो ये चीज सही नहीं हो सकती कि कुछ गाय कुत्ते या कुछ बिल्ली शेर है, कैसे हो सकता है कुछ बिल्ली शेर। मतलब हमें जो दे रखा है वो हमें सत्य मानना ही पड़ेगा, यानी इस पर जो लिखा हुआ है उसी बेस पर हमने आंसर देना है। वैसे तो अगर मैं सोचूंगा तो अगर मैं बोलूंगा जी कुछ बिल्ली शेर कैसे हो सकती है, मैं गलत कर दूंगा। नहीं, टॉपिक ही क्या कहता है कि जो आपको लिखा हुआ है वही सत्य है। जैसे एक एग्जाम्पल, दो तरीके के हम पर्सन लेते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि दो तरीके के इंसान होते हैं, एक जो तेज होता है एक जो शरीफ होता है। मान लिया जाए कि किसी पर्सन ने किसी के पैसे देने हैं, अब वो घर पे आया पैसे लेने के लिए, तो उसके एक तो जो तेज वाला लड़का है उसके पिता ने उसको बोला कि आप उसको ऐसे बोल दो कि पिताजी तो बाहर गए हुए हैं, तो वो उसको पता है कि इसको इस तरीके से बोलना है तो उसको बोल देगा जी वो बाहर गए हुए हैं बाद में आना। एक ऐसा जिसको जो बोला जाता है वो वैसे ही करता है, मान लो उसको ये बोला गया उसके पिता के द्वारा कि जो पैसे लेने आए उसको ये बोल दो कि पिताजी बाहर गए हुए हैं, और वो बाहर आकर उसको ऐसे ही बोलेगा कि पिताजी कह रहे हैं कि वो बाहर गए हुए हैं, मतलब जो बात उसको बोली गई वही बता दी उसने। तो हमें इसी तरीके से यहाँ ट्रीट करना है कि जो पता है उसी को ही हमें बताना है, ठीक है। अब इस टॉपिक में इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे मैं यहाँ ये बना लूंगा कि कुछ ए बी है, ठीक, यानी कुछ ए का पार्ट है वो बी के साथ क्या है, कॉमन है। सेम चीज को इस तरीके से भी मैं इसको भी बना लूंगा कि कुछ शादीशुदा क्या है, मूर्ख है, ठीक। यानी कि यहां सिर्फ मुझे ये पता है कि ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है, बाकी जो ये पार्ट रह गया ये पार्ट, ये आपस में लिंक है ये भी नहीं पता, लिंक नहीं है ये भी नहीं पता, ठीक है ना। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है इस चीज की, बाकी बचे हुए पार्ट के बारे में हमें नहीं पता। अब इसमें चार तरीके के वाक्य होंगे, पहला पॉजिटिव वाक्य, दूसरा नेगेटिव वाक्य, तीसरा संभावना का वाक्य कि ये संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती, और चौथा जहां या की कंडीशन होगी। संभावना होगा तीसरा और चौथा या की कंडीशन वाला, ठीक है। तो हम एक एक चीज को समझेंगे क्योंकि यहाँ टॉपिक को हम क्रिएट करेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि इस टॉपिक को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जनरली क्या किया जाता है कि इसके रूल समझाए जाते हैं,
और रूल में आप इतने ज्यादा पजल हो जाते हो कि हम इसको याद नहीं रख पाते। दूसरा, कुछ लोग इसको शुरुआत करेंगे तो 3 4 5 डायग्राम बना लेंगे पहले, बाद में जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक ही डायग्राम से चलते हैं। तो मतलब अगर टॉपिक एक डायग्राम से सॉल्व हो सकता है तो फिर शुरुआत में 5 क्यों बनाए? और अगर शुरुआत में आपको 5 डायग्राम से कोई समझा रहा है तो बाद में वो क्वेश्चन एक से क्यों कर रहा है? बाद में भी 5 बनाने चाहिए। तो यहाँ हम एक ही डायग्राम बनाएंगे, हम टॉपिक को क्रिएट करेंगे कि इस टॉपिक को बनाया कैसे गया था। अगर हम इसको क्रिएट कर देंगे तो अपने आप क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो पहले हम डायग्राम को समझेंगे, फिर इसमें जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं सभी को यहां लिखेंगे। डायग्राम में कहता है कि ए और बी का ये कुछ पार्ट कॉमन है, इतनी बात हमें पता है। अब ये टोटली ए का जो हिस्सा है इसमें से कुछ पार्ट कॉमन है, जो बाकी बच गया वो इसके साथ कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी इसके बारे में कुछ पूछेगा तो हम बोलेंगे जी पता नहीं हमें, वैसे ही इसके बारे में पूछेगा तो हम बोलेंगे हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिव वाक्यों पर। सकारात्मक वाक्यों में आपको सही वाक्य और गलत वाक्य मिलेंगे। ठीक है, अब सकारात्मक वाक्य में सही वाक्य कौन से हो सकते हैं? अब यहां से तो देखने से ही पता लग रहा है कि कुछ ए बी हैं, तो वाक्य सीधा सीधा यही बन जाएगा जी कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, उसी का उल्टा बन गया। ये दोनों वाक्य क्या हैं? सही है, क्योंकि देखो ए का कुछ पार्ट बी के साथ है, ये तो हमें बता ही रखा है, तो बी का भी कुछ पार्ट ए के साथ कॉमन हो गया। जनरल सी बात है, ये हमारा वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। अब पॉजिटिव वाक्य में गलत वाक्य कैसे हो सकता है? अगर बाई चांस यहां से आपसे ये पूछ लें कि सभी ए बी हैं या सभी बी सब सॉरी सभी ए बी हैं या सभी बी ए हैं, दोनों का एक बार ए का रिलेशन पूछ ले एक बार बी का, तो टोटली ए बी में है या टोटली बी ए में है, ये बात मैं डिसाइड नहीं कर सकता। कि कुछ शादीशुदा मूर्ख हैं ये हमें पता है, टोटली शादीशुदा इसमें जाएंगे ये हम नहीं बता सकते, और टोटली मूर्ख इसमें जाएंगे ये भी हम नहीं बता सकते। इसका मतलब ये दोनों वाक्य हम क्या करेंगे? गलत करेंगे। और गलत किस लिए किया है? क्योंकि हमें इस बात का पता नहीं। ठीक है ना, गलत देखो गलत वाक्य दो तरीके से किए जाएंगे, एक मैं गलत इसलिए करूंगा कि मुझे पता है, एक मैं गलत इसलिए करूंगा कि मुझे पता नहीं। मान लो आप सुबह से क्लास में बैठे हो और मैंने आपसे पूछ लिया कि बाहर बारिश हो रही है, इस टॉपिक के हिसाब से तो आप सुबह से बाहर गए नहीं, तो आप इस चीज को गलत कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आपको पता नहीं कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही, इसलिए आपने गलत किया। एक आप अभी अभी 1 मिनट पहले देख के आए हो कि बाहर बारिश नहीं हो रही, और फिर मैंने पूछा कि बारिश हो रही है, तब आप बोलोगे नहीं हो रही, तब आपने इसको गलत किया क्योंकि आपको पता है इसके बारे में। तो गलत करने के दो तरीके होते हैं, एक जब आपको पता है इसलिए आपने उसको रिजेक्ट किया, एक आपको पता नहीं इसलिए रिजेक्ट किया। जिस वाक्य को आपको पता नहीं इसलिए रिजेक्ट किया है हमेशा वही वाक्य संभावना में जाता है। जैसे जैसे इसको आगे बढ़ेंगे हम टोटली चीजें आपको इसमें क्लियर होती रहेंगी। देखो तो नेगेटिव वाक्य ये सॉरी गलत वाक्य ये पॉजिटिव में दो हो गए, जहां ये पूछा जाएगा इसलिए मैं इसको नहीं बता सकता। तो ये हो गए पॉजिटिव वाक्य 4। ये इन दोनों के रिलेशन में सिर्फ 4 ही वाक्य बन सकते हैं, 2 सही 2 गलत। 2 गलत इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं। अब बात आती है नेगेटिव वाक्य की, नकारात्मक वाक्य की। नकारात्मक वाक्य में सही और गलत। एक बात कि जब कथन पॉजिटिव हो, जब कथन पॉजिटिव हो तो कभी भी नकारात्मक वाक्य सही नहीं होता, क्योंकि जो यहां अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नकारात्मक कभी भी सही नहीं हो सकता। यानी कोई ऐसा वाक्य बन ही नहीं सकता
जो पॉजिटिव में नेगेटिव वाक्य बन जाए और उसको आप सही कर पाओ। जितने भी नेगेटिव बनेंगे वो सभी क्या बनेंगे, गलत बनेंगे। ठीक है, इससे जितने भी वाक्य बन सकते हैं नेगेटिव टोटली गलत बनेंगे। जैसे अब गलत का मैं पहले बता चुका हूं, दो कंडीशन होंगी, एक कि हमें पता है इसलिए गलत किया, एक हमें पता नहीं इसलिए गलत किया। जैसे पहले मैं वो वाक्य गलत करूंगा जो मुझे पता है। जैसे अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि सभी ए बी नहीं है, या इसी का ही उल्टा कि सभी बी ए नहीं है, यानी ये कह रहा है कि टोटली ए को बी से अलग करना है, और एक में कह रहा है टोटली बी को ए से अलग करना है, यानी यहां ये हो गया कि सभी शादीशुदा है वो मूर्ख नहीं है, और एक में कह रहा है कि सभी मूर्ख शादीशुदा नहीं है, मतलब इनको आपस में पूरा का पूरा अलग करने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहां से अब देखूंगा मैं पूरा अलग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ पार्ट तो ए का बी के साथ क्या हो गया, कॉमन हो गया, और जो पार्ट कॉमन हो गया वो क्या इससे अलग हो सकता है। इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें दे रखी है कि कुछ ए है वो बी का पार्ट है, और जो ए का पार्ट बी के साथ कॉमन हो गया क्या वो अलग कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि मैं टोटली ए को अलग नहीं कर सकता, ना ही टोटली बी को ए से अलग कर सकता हूं। ये दोनों नकारात्मक वाक्य मैंने गलत कर दिए, क्योंकि मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता, ये अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज तो हमें कॉमन बता रखी है पहले से, ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है कि कुछ शादीशुदा है वो मूर्ख हो चुके हैं। अब मैं टोटल शादीशुदा को मूर्खों से अलग नहीं कर सकता, जो हो चुके हैं वो तो सत्य है, मुझे पता है, इसलिए दोनों वाक्य गलत हो गए, क्योंकि मुझे पता है ये गलत होंगे। अब बात आती है दूसरे दो वाक्यों की, जो गलत होंगे इसलिए गलत होंगे कि हमें पता नहीं। जैसे वाक्य हम लिखते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, और दूसरा इसी का उल्टा कि कुछ बी ए नहीं है, यानी ए का कुछ पार्ट हमने किससे अलग करना है, बी से। तब मैं बोलूंगा जी जो ये बचा हुआ पार्ट है ये बी के साथ अटैच होगा या अलग होगा, इस बारे में मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि कुछ पार्ट कॉमन है, बच गया वो इसके साथ अटैच है या नहीं है इस बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये बात मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इन दोनों को सही नहीं कर सकता, क्योंकि ये इससे अलग है या नहीं है, मूर्ख जो बचे हुए मूर्ख है ये शादीशुदा से अलग है या नहीं है, ये बात मुझे बताई नहीं गई और मैं अपनी तरफ से इसको सोच नहीं सकता, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये दो वाक्य इसलिए गलत हुए कि मुझे पता नहीं, ये दो वाक्य इसलिए गलत हुए कि मुझे पता है, ठीक है ना, और ये दो वाक्य सही थे, ये दो वाक्य इसलिए गलत हुए क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ठीक। तो अब बात आती है संभावना की, संभावना जहां वाक्य सही होगा वहां संभावना नहीं होती, जहां वाक्य 100% गलत होगा वहां भी संभावना नहीं होती, संभावना वही होगी जब आपको उसके बारे में पता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे बारिश वाला एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है कि बारिश हो रही है और फिर आपसे पूछ ले कि बारिश हो रही है तब सॉरी बारिश होने की संभावना है, तो आप बोलोगे जब हो रही है तो संभावना किस बात की, आपको पता है बारिश नहीं हो रही और फिर आपसे पूछ ले कि आपको पता है बारिश 100% आपने देख लिया कि बाहर धूप है और बारिश हो ही नहीं सकती, और तब आपसे उसके बारे में पूछ लिया जाए कि ऐसा होने की संभावना है, तो यानी जो चीज हो चुकी है या जो चीज नहीं हो सकती उसमें संभावना नहीं होती। अब बात आती है या कंडीशन की, या तभी होगा जब मैंने पहले बताया था कि अगर एक सही है तो दूसरा गलत और दूसरा सही है तो पहला गलत, यानी जब एक दूसरे की बात का वो प्रॉपर खंडन करेंगे तभी वो क्या होगा, सही होगा या की कंडीशन में। तो ये इतनी चीजें इस टॉपिक में आएंगी, इसको हम नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू रखेंगे कि किस तरीके से इसको समझना है।